तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग लोकल वर्सेस ब्रांडेड कीबोर्ड का रिव्यू देने जा रहे हैं और लोकल वर्सेस ब्रांडेड माउस का भी रिव्यू देने जा रहे हैं। तो गाइस आज की वीडियो पूरी देखिएगा और इन दोनों कीबोर्ड्स का कंपैरिजन करके हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सा कीबोर्ड ज्यादा अपने प्राइस को वर्थ करता है। तो चलिए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस एक तरफ है ज़ेब्रोनिक्स का ज़ेब्रोन कीबोर्ड एंड माउस का कॉम्बो और गाइस दूसरी तरफ है ज़ूक का कॉनकॉर्ड केविन कीबोर्ड और गेमर्स का गेमिंग माउस। तो ये दोनों मैंने अलग अलग परचेस करे और ये एक ही कॉम्बो में साथ में आए हैं। तो गाइस अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो मैं इसको आपको पीसेस दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं है इसकी बिल्ड क्वालिटी। थोड़ा सा लुजर पुजर सा गया, देख सकते हैं थोड़ा गोल हो रहा है ये और ये ऐसे करके दब भी जाता है इससे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। और गाइस इसी की जगह अगर ज़ेब्रोनिक्स की कीबोर्ड की बात करें तो इसके पीछे की बिल्ड क्वालिटी आपको काफी बढ़िया मिलती है। आप देख सकते हैं काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है और यहाँ पे आप इसका साइज भी ऊपर नीचे कर सकते हैं कीबोर्ड का। इसमें आपको दो तरीके के मिलते हैं, एक बड़ा वाला और ये आपको छोटे मिलते हैं जिससे आप थोड़ा कम ऊंचा कर पाए, तो इससे आप साइज भी ऊंचा कर सकते हैं कीबोर्ड का। और गाइस माउस की बात करें तो फिर ये गेमर्स के माउस की क्वालिटी आपको काफी बढ़िया मिलती है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मेटल फिनिश है, इधर आपको ग्रिप दी गई है साइड में बढ़िया और इसका डिजाइन भी काफी बढ़िया है गाइस, बहुत बढ़िया लुक है इसका। और गाइस यहीं पे हम लोग अब ज़ेब्रोनिक्स के माउस की बात करते हैं तो फिर इसका भी आपको बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया मिलती है, लेकिन उसमें आपको नीचे से मेटल फिनिश मिलता है तो इसमें आपको प्लास्टिक फिनिश मिलता है। और गाइस ये इस तरीके का है कुछ और यहाँ पर इसमें लाइट दे रखी है। तो गाइस अगर आप क्लासिक लुक में लेना चाहें तो ये काफी क्लासिक कॉम्बो है और ये थोड़ा सा ज्यादा गेमिंग वाला कॉम्बो लग रहा है। और गाइस ज़ेब्रोनिक्स के कॉम्बो में आपको दोनों के जो आप देख सकते हैं यूएसबी पोर्ट है, ये आपको गोल्ड प्लेटेड मिलते हैं, आप देख सकते हैं गोल्डन हो रहे हैं ये, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस और ज्यादा बढ़िया आती है। और गाइस इसमें आपको जो लोकल वाला है उसमें आपको गोल्ड प्लेटेड नहीं मिलते हैं, तो इससे थोड़ा सा फर्क तो आ सकता है आपकी परफॉर्मेंस में। तो देखते हैं, चलिए इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं माउस की लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो गई है और कीबोर्ड्स की लाइट ऑन करने के लिए यहाँ पे आपको एक फंक्शन की मिलती है, ये लाइट बनी हुई है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी लाइट ऑन हो जाएगी और यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी भी लाइट ऑन हो जाएगी। तो गाइस लाइटिंग की अगर हम बात करें तो फिर इसमें आपको तीन लाइट्स के मोड मिलते हैं, जैसे ये फर्स्ट मोड हो गया, फिर ये आपका सेकंड कलर मोड हो गया, फिर ये आपका थर्ड मोड हो गया, तो इसमें आपको कलर काफी सारे मिलते हैं और ये फोर्थ में बंद हो गई। फिर अब इसे ऑन कर देते हैं हम और इसमें आपको ये सब नहीं मिलता है, इसमें आपको सिर्फ एक ही मोड मिलता है लाइट ऑन ऑफ करने का। तो गाइस ब्राइटनेस आपको इसमें ज्यादा मिलती है, उसमें कम मिलती है। तो गाइस लोकल वाले की ब्राइटनेस ज्यादा हाई है हमारे ब्रांडेड वाले से, लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी कम है। और गाइस अगर कीज की क्लिक की बात करें तो फील तो आपको ब्रांडेड वाले में आएगी क्योंकि इसके क्लिक आप साउंड सुन सकते हैं, लोकल वाले का भी आपको सुना देता हूँ। तो ये साउंडलेस वाला कीबोर्ड है, नीचे वाला है, इसमें साउंड नहीं आता ज्यादा और इससे खटर खटर करता है तो आपको गेमिंग करने में काफी मजा आएगा इसके साथ क्योंकि ये आवाज करता है और ये आवाज नहीं करता, ये काफी साइलेंट प्रकार का कीबोर्ड है हमारा। तो गाइस और अगर आपको इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा करनी है तो आप FM के साथ यहाँ पे आपको एक अप वाला बटन दिख रहा होगा और एक डाउन वाला, तो इससे आप लोग ब्राइटनेस ऊपर नीचे कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं इसको दबाता हूँ तो ये फुल हैवी ब्राइटनेस, अब मैं कम करता हूँ इसकी ब्राइटनेस, देख सकते हैं इस तरीके से इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और गाइस इस वाले कीबोर्ड में भी आपको सेम फंक्शन मिलता है, आपको FM दबाना है और यहाँ पे अगर आप अप वाला दबाएंगे तो फुल होगी और फिर अगर डाउन वाला दबाएंगे तो कम होगी। तो गाइस इसका तो सेकंड मोड जितनी ब्राइटनेस उसमें है, लेकिन जब इसका हम थर्ड कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ब्राइट है ये वाला कीबोर्ड हमारा। और अगर माउस की बात करें तो फिर इस वाले माउस में आपको 1000 dpi से लेके 3200 dpi तक मोड्स मिलते हैं चेंज करने को, और गाइस इस वाले माउस में आपको 1000 dpi से 3600 dpi तक मिलते हैं, लेकिन ये वाला ज्यादा तेज चलता है, ये थोड़ा कम चलता है, वो तो बताने के लिए है इसमें। और गाइस लुक वाइज आप देख सकते हैं दोनों का अलग अलग लुक है, एक थोड़ा क्लासिक लुक में है बस पीछे लाइट है और ये थोड़ा गेमिंग लुक में आप देख सकते हैं, इसमें काफी सारा डिजाइन बना हुआ है और उसकी स्क्रॉल करने वाले का भी डिजाइन काफी बढ़िया है। और गाइस इसमें अगर आप डीपीआई चेंज करते हैं तो आपको मोड पता चलेगा, देख सकते हैं। तो गाइस इसकी लाइट जब फास्ट जलती है इसका मतलब ये फुल डीपीआई मोड पे, और जब हल्के जलती है लाइट तो मतलब ये लो डीपीआई मोड पे, लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है, इसमें आप कितनी भी डीपीआई चेंज करते हैं आपको पता नहीं चलेगा कौन सी डीपीआई मोड पे, वो आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देखना पड़ेगा इसे चला के कि इसकी वो स्पीड बढ़ी या नहीं बढ़ी। और गाइस यहाँ पर आपको ज़ूक पर लाइट मिलती है जो कि थोड़ा अंधेरे में आपको दिखाई देगी, देख सकते हैं आप। और गाइस इसमें आपको ज़ेब्रोनिक्स पे लाइट नहीं मिलती है। और गाइस लेकिन बस बिल्ड क्वालिटी में आपका ज़ेब्रोनिक्स का कीबोर्ड बढ़िया है और लाइटिंग वगैरह अगर आपको चाहिए बढ़िया करके तो फिर ये कीबोर्ड ज्यादा बढ़िया है लाइटिंग वगैरह के हिसाब से। तो गाइस चलिए अब हम कीबोर्ड्स के प्राइस की बात कर लेते हैं, तो फिर ये कीबोर्ड पड़ा हमें 1300 का विद माउस, और गाइस ये कीबोर्ड पड़ा हमें 800 रुपीज का और इसका माउस पड़ा हमें 200 रुपीज का, तो दोनों में बस 100 रुपीज का फर्क है। इन दोनों का बाय लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप इन्हें परचेस कर सकते हैं, दोनों ही काफी बढ़िया कीबोर्ड है।
तो गाइस यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।